वेलकम बैक एवरीवन टू न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आप लोगों ने ना अपने जीवन काल में मतलब बचपन से लेकर ना बहुत सारे मिथ सुने होंगे कि आपको मतलब आपके इर्द गिर्द के काफी सारे लोगों ने बोला होगा कि यार ये मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना नहीं तो वैसा हो जाएगा। तो गाइस मैंने भी ना बहुत सारे ऐसे मिथ सुने हैं, तो आज मैं ऐसे ही कुछ आपके सामने मिथ लेके आई हूँ जिसको मतलब बचपन से मैं सुन सुन के ऐसी हो गई थी कि यार मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखे हैं वो मिथ, लोगों ने ट्राई किया और कईयों को वो बस्टेड लगे, कईयों को वो सही हो लगे कि हाँ ये मिथ है। लेकिन जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूंगी, मैं बिलीव नहीं करती भाई दूसरों में। पर आज मेरे साथ इस वीडियो में मेरी मदद कौन करेगा? वैसे तो यार मतलब गेस करने की भी जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो ये देखो भाई, मेरा भैया मेरे फिर से आ गया है। धन्यवाद धन्यवाद। इसके बिना तो मेरा मतलब कुछ काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि यार कैमरा भी मैन भी यही है, मेरे साथ हेल्पर भी यही है, अकेला मैं ही उस घर में। और दूसरी बात गाइस, जो मिथ में आज मतलब इस तरह बिल्ली नीचे फेंक दी, मार खाएगा तो सोफे से पीछे फेंक दी बिल्ली, तो मेरे वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस करता है वैसे देखा जाए तो। आगे कंटिन्यू किया जाए प्लीज। बोल क्या रही थी उसे? Anyway guys, मैं अपना डायलॉग बिल्कुल भूल चुकी हूँ, इस पकौड़े ने मुझे सारा डायलॉग भुला दिया। अरे जरूरी नहीं है। मिथ कौन सा है? तो चले गाइस अब इतना क्या ही बोलना, पहले मिथ की ओर बढ़ते हैं। गाइस हमारा जो पहला मिथ होने वाला है वो मैंने ये चीज सुनी है कि जो ये कैंडल है ना, अगर हम कैंडल को जलाएंगे और उसके बाद जो इसको बुझाने के बाद यार एक उसकी वो नहीं निकलती, क्या बोलते हैं उसको, जो धुआं टाइप जैसे निकलता है, उससे हम दोबारा कैंडल जला सकते हैं अगर उस धुआं में हल्की सी चिंगारी लगा ली तो। हम इसको देखेंगे, हाँ हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये मिथ है कि ये मतलब ऐसा, हाँ मतलब मिथ ये सच है कि नहीं है बस। तो भाई साहब जी ये लो कैंडल जलाओ जी, तू फटाफट से जला दो, जैसी मैं बुझाऊंगी ना अपने पास रेडी रखियो तू। ओके ओके, ये सब जला दी है और अपने हाथ में दूसरी वाली, हाँ ये रेडी रख, बिल्कुल रेडी है, रेडी है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बुझा। क्या हुआ कुछ? ओ हो रहा नीचे रख। कहा? अरे इसका हाथ जल गया भाई, कुछ नहीं हुआ। क्या बदतमीज है यार, ऐसा धुएं से करना था। अरे जल्दी कर, इस धुएं से करना ऑब्वियसली। हाँ हाँ इस धुएं में लगा, मुझे पता है काम करेगा, काम करेगा। बहुत लोगों के पास ये काम कर रहा था यार, हमारे पास भी काम करेगा। अरे कहाँ गया धुआं, ही चला गया। अरे फिर से जलाना पड़ेगा। नहीं नहीं रुक जा, फिर से जलाना पड़ेगा। 1 2 चल 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 धुएं में लगा, थोड़ा नीचे से, तो पास से लगा, पास से लगा, पास से लगा। मुझे नहीं लग रहा गाइस हमसे ये होगा, मुझे नहीं लग रहा। ये हमारा बस होता हुआ क्या? तू तो स्पेशली इससे ने तो भाई इतनी माची से जला दी, रहने दे, नहीं हो रहा ये हमसे ना हो पाएगा। तो गाइस इतने सारे हमने अटेम्प्ट्स किए और भाई मैं सच बता रही हूँ ना, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखा था कि ये काम करता है, लेकिन हमारी वीडियो में काम नहीं किया, तो ये वाला मिथ हो गया हमारा बस। आप लोग भी ट्राई करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके पास ऐसे कैंडल जली कि नहीं जली। हमारा जो आज का सेकंड मिथ है वो ये है कि यार अगर ना देख, अगर तू ये टूथपिक से बलून को ऐसे चुबाएगा तो बलून फट जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये मिथ अगर तू इसमें पहले ऑयल लगाएगा और फिर इसको टूथपिक से मारेगा तो वो नहीं फटेगा, जो तेल है ना वो हमारे बलून को फटने से रोकेगा। ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो आई तभी तो तुझे बुलाया मैंने, तू टेस्ट करके दिखा ना इसको। भाई साहब जी अच्छे से लगाइए, बलून में ऑयल लगा, अब इसको टूथपिक से मार तो ये नहीं फटेगा। और थोड़ा मुंह थोड़ा दूर ही रखियो गाइस, ये वाला मिथ भी हमारा मतलब बस्ट हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता। मिथ के अकॉर्डिंग तो ये था कि ये फटने नहीं देगा, लेकिन बलून हमारा फट गया तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। बकवास मिथ है सबसे ज्यादा, बकवास। अरे बकवास फालतू। आज का हमारा जो तीसरा मिथ है वो पता क्या है यार? देखना मेरे फोन की बैटरी एकदम से चली जाती है, तो मैंने आज का जो मिथ देखा उसके अकॉर्डिंग ये है कि यार पटेटो और वाटरमेलन से भी हम अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अब पता नहीं यार ये मिथ कितना सच है, तो इसीलिए हम इसको ट्राई करके देखेंगे। तो यार ये देख लो, अभी मेरे फोन में बैटरी 43% है, मैंने बोला था ना मेरे फोन की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो यार पहले हम आलू से नहीं, पहले हम वाटरमेलन से करेंगे, जो कि इसने काम करेगा। यार तू चुप रहना, सोच भी क्यों रही है? तभी तो हमने ट्राई करना, क्योंकि कई लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं कि काम करता है, और मैंने इसमें बाय द वे 2 छेद ऑलरेडी कर रखे, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो तू बहुत है। अरे रिस्क नहीं लेना था ना कि कहीं मेरे चार्जर ही ना मुड़ जाए। रुक जा। और अगर काम करता है कि नहीं करता, तूने खाया क्यों? शायद अब ये काम नहीं करेगा गाइस, क्योंकि इसने खा लिया ये। तो आज देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। मुझे लगा काम किया, 1 सेकंड तूने ऑन किया था, तो झूठ बोल रही है। अरे बिल्कुल भी काम नहीं किया, वो ग्रीन बन जाता है। नहीं काम कर रहा है गाइस, होता है कि नहीं होता है। ये देख मैंने पोटैटो पे भी कर रखा है वो। चलो अब पहले इसको साफ कर लेते अच्छे से।
ओके गाइस, तो अब हम ट्राई करेंगे पटेटो। पटेटो का मैंने बहुत लोगों के लिए सुना, वाटरमेलन का फिर मुझे लग रहा था कि ये नहीं काम करेगा, लेकिन पटेटो मुझे लग रहा काम करेगा। ये हमने, अब हम अपने फोन में ट्राई करके देखेंगे। थोड़ा नजदीक लाओ कैमरे को। तो गाइस ये देख लो यार, पटेटो ऐसा कुछ नहीं होता है, फेक है बिल्कुल। तो हमारा जो चौथा वाला मिथ होने वाला वो ये है कि अगर जो दो कप्स के बीच में अगर हम स्ट्रिंग डालेंगे ना और हम बहुत दूर खड़े हो तो वो टेलीफोन की तरह काम करेगा। तो आइए फटाफट से हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये देखो भाई, मैंने एक पतली सी स्ट्रिंग इसमें जोड़ ली है, एक साइड से मैं यहाँ खड़ी रहूंगी और मेरा भाई जाएगा रूम के अंदर, क्योंकि ऐसे तो यार आवाज आ जाएगी ना, स्ट्रिंग तो देख दरवाजे के नीचे से निकल जाएगी। चल 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 भाई खड़ा हो जा, चल भाई तू रूम के अंदर जा, तब जाके पता चलेगा। ओहो चलो ठीक है भाई, सुनने को तैयार हो जा, मैं क्या बोलने वाली हूँ। मुझे सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया? तूने बोला यार तू कितना सारा सुंदर है देखने में। ओके थैंक यू सो मच यार इतनी तारीफ करने के लिए, सुनाई नहीं देता बकवास बात है। इसके लिए रस्सी एकदम सीधी होनी चाहिए, ना कि किसी चीज को टच करके जाना चाहिए। चल एक बार यहीं जा, यहां जा, इधर जा, क्या पता इसको ऐसे सुनाई देते। मैं अभी भी बहुत धीरे से बोलने वाली हूं। मेरे को ना, मैंने ये वाला कान बंद किया था, मेरे को ना नीचे एक गाड़ी थी ना उसकी आवाज सुनाई दी इसके अंदर। यार तो कुछ भी मत कसम से, गाइस मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला है कुछ काम, ये वाला मिथ मतलब काम भी करता है। तू सुन, चल सुना 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 यार चुप रहे यार, ये कुछ नहीं कर रहा, बकवास कर रहा है। ये मिथ ना उतना अच्छे से काम नहीं करता। हां गाइस, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने इस मिथ को मतलब कैसे कंफर्म करे, लेकिन हमें आवाज नहीं, तो मेरे लिए ये मिथ बस चिड़ा, ये काम नहीं की। हमारा आज का जो पांचवा वाला मिथ है वो देखो भाई, वो है ये। एक्चुअली इसके साथ मैंने एक मिथ बड़ा अच्छा पढ़ा है कि यार अगर आप ना ऐसे टाइप के कुछ मतलब टिश्यू पेपर्स को पानी से ऐसे ढक लो अच्छे से और उसके बाद उल्टा करो तो पानी गिरने नहीं देते, ये मिथ है। और आज देखेंगे हम कि ये मिथ काम करता है कि नहीं करता है। ये शायद से सही हो ही नहीं सकता है। अरे तो चुप रहे यार, मैं इसको पकड़ लेती हूं ताकि पता लगे। एक सेकंड के लिए भी रोक ले पानी तो उसका मतलब मिथ कंफर्म हो जाएगा। ये ना बहुत ही पतली लेयर से ढका हुआ है, हाथ लगा के देख। गाइस ये वाला मिथ कंफर्म हो गया है कि अगर आप पेपर टॉवल से इसको ढकोगे, हालांकि मेरे पास तो वो मोटा वाला पेपर टॉवल भी नहीं था, फिर भी इसने पानी रोक लिया। देखो एक बार और कर। अब जो हमारा छठा मिथ है वो ये है कि यार मैं ना मतलब ये कोल्ड ड्रिंक को बिना डकार मारे पूरा नहीं पी सकती हूं, तो ये मिथ है। वैसे इसके बारे में देखा जाए तो ये हम सबको पता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं छोटी बॉटल पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अगर छोटी बॉटल को इंसान पिएगा तो उसे बिना डकार मारे वो पूरा पी जाएगा। तेरे को क्या लग रहा है, तू पी लेगा भाई? तो है कि नहीं पी सकते बिना डकार मारे। नहीं तू पी ले यार, आजा मैं ट्राई, क्योंकि देखिए ये गाइस वैसे भी ये शुगर वाली चीज नहीं पीता, तो ये मैंने लाया हुआ डाइट कोक, तो देखते हैं मेरा भाई इसको। चल चल पीजा 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 बिना डकार मारे, मुझे पता ये हमारा मतलब मिथ बस्ट हो जाएगा। मुझे देखा देखा सी ये वाला मिथ गाइस ने बस कर लिया, क्योंकि मुझे पता था ये जो 250 ml की बॉटल आती है ये हम बिना डकार वाले पी सकते हैं। यस डकारलेस मैन। तो आज का जो हमारा सेवंथ मिथ है उसके लिए यार मुझे एक्चुअली टेबल क्लॉथ की जरूरत थी, और मैं सच बताऊं हमारे घर में टेबल क्लॉथ ही नहीं है। हमारे घर में देखो टेबल ऐसे ही है, इसमें कोई क्लॉथ व्लॉथ नहीं बिछा हुआ है, लेकिन अब यार अब ये चीज टेस्ट करनी थी तो मैंने पता क्या किया, ये देखो गाइस मैंने क्लॉथ बिछा दिया है। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मिथ क्या है कि अगर हम इसके ऊपर सामान रखेंगे ना और अगर किसी ने बहुत तेजी से क्लॉथ ऐसे खींच लिया तो वो जो सामान है वो नहीं गिरेगा और कपड़ा बाहर आ जाएगा। अब यार ये चीज ना मेरा भाई कंफर्म करके दिखाएगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पीड है नहीं। गाइस ये देखो यार, इस बंदे को मैंने बोला ग्लास लाइए स्टील का, उसने जान मूझ के ये चीज लाई और ये ना कांच की है, ये ना टूट जाएगी, पर ये हैवी है, इसमें कुछ सामान है। तो जय माता दी, ये क्या लेके आया तू भाई? इसको तो हटाए देते ऐसे भी। गिलास बोला था लाने को, ये क्या लाया? और ये देखो, अरे क्या लड़का है, रुक जा स्पीड से करियो, हमको ये थोड़ा मिथ ऐसे रखना है। अरे देख तू जान मुझ क्या रखा है, रुक जा रुक जा रुक जा, स्पीड से करियो भाई स्पीड से। एक दो गिर जाएगा सब कुछ, गारंटी है। एक दो मतलब
ये थोड़े स्टेबल नहीं थे, अदरवाइज टिक जाने थे ना। ऐसे यार मेरे को सारी कमी ना इस चुन्नी में लग रही है टेबल क्लॉथ में, क्योंकि मुझे कोई और ढंग की चुन्नी, हाँ इसको सिंगल लेयर डाल, ढंग की चुन्नी मिली नहीं तो हम इसी से ट्राई करके देखेंगे। 2 स्पीड 3 अभी क्या yes! ये वाला जो सही था वो थोड़ा सा गिरा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कप से मतलब स्टील के ग्लासेस वगैरह होते तो वो भी नहीं गिरने थे, वो एकदम परफेक्ट होते। तो ये वाला मिथ होता है हमारा कंफर्म। तो गाइस जो अगला मिथ है ना यार, वो मैं आप लोगों को चुपके से बताती हूँ, एक्चुअली मैं अपने भाई को नहीं बताना चाहती कि अगला मिथ क्या है, क्योंकि फिर वो मतलब पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली रियल है कि नहीं है। अभी पता क्या हुआ है ना, मैंने ये मिथ के बारे में सुना है कि हम ये उबासियां लेते हैं ना ये कंटेजियस होती है, मतलब ये फैल जाती है। अगर मैं उबासी ले रही हूँ तो 2-3 उबासियों के बाद ना मेरे भाई को पक्का उबासी आ जाएगी। तो ये चीज चेक करनी है मुझे यार कि ये चीज कंफर्म है कि नहीं है। अब ये चीज मैं इसको बताऊंगी ना तो ये चीज हो नहीं पाएगी, मुझे पता है फिर ये जान मुझ के कंट्रोल कर लेगा। और भाई साहब आगे कर ले वीडियो शूट जरा, अभी करते हैं। यार मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया यार। वैसे तो मैं लेट ही उठी हूँ सुबह सो के। अरे भाई फोन पे ध्यान है तेरा, फोन को साइड तो रखे एक बार। नहीं वो बिल्ले को ढूंढ रहा था। अरे यार कितने तो वो करता है, एक बार जाके जा सामने जाके वो वीडियो भी ऑन कर ले, वीडियो भी ऑफ हो। भाई साइड रख, इसको मार खाएगा ना तुम। यार बिल्ला बहुत क्यूट है यार। उफ यार मेरे को बहुत नींद आ रही, तो साइड रख हमको वीडियो। यार एक्चुअली नींद तो आ रही मेरे को भी। नींद आ रही है ना तुझे भी? एक्चुअली आ गया भी यार। तो मेरा वाला अगला वाला मिथ भी गाइस देखो हो गया है एकदम, मतलब कि सही बात बोले कि वो मिथ कंफर्म है। देख यॉर्निंग वाला, मैंने यही वाला मिथ सोचा हुआ था कि यार मैंने ये वाला मिथ कहीं सुना हुआ था कि अगर आप यॉर्निंग लेते हो ना तो सामने वाले को भी एकदम। रिकॉर्डिंग ऑन रखी हुई है? हां मतलब ऐसे रख दे यार, ये सब कुछ मतलब मेरा बिल्ला भी रिकॉर्ड हो गया। गाइस जो हमारा अगला मिथ है उसके लिए मैं ये ब्लाइंड फोल्ड वाली पट्टी लेके आई हूँ, क्योंकि मिथ के अकॉर्डिंग हम ना ब्लाइंड फोल्ड होके कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते। वैसे एक बात बताऊं यार, मैं ये चीज ट्राई नहीं कर सकती, क्योंकि यार मैं तो आंखें खोल के भी सीधी लाइन में नहीं चल सकती, आंखें बंद करके तो दूर की बात है। तो इसीलिए ये चीज भी मेरा भाई ट्राई करके दिखाएगा। ये लो आंखें पट्टी बांधो, खतरा है ना भाई जिंदगी का, गिर सकता है कुछ बच सकता है, वो सब मैं करूंगा फाड़ने के लिए। ऐसा नहीं है यार, पता है क्या रियलिटी है ये, तुम्हें ना आंखें खोल के भी सीधी लाइन में नहीं चल सकती, तो बंद करके। तो मुझे पता ही है, वहां चल, वहां जा सिलेंडर के पास जा, वहां पे इस लाइन पे चल के आना, तो सीधा देखते हैं बिना देखे क्या ये मिथ कंफर्म है कि ये भी कुछ ऐसे ही ऊटपटांग मिथ है। चलो करो स्टार्ट। ब्लाइंड फोल्ड हो गया, आप सीधा नहीं चल सकते। चल 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 चल, मेरे को डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। अबे तो टेढ़ा जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है टेढ़ा हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है बजेगा, मैं बजूंगा मैं कहीं पे। मत करना, चल 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 चल, ऐसे करते करते अपने रूम में आ जा, अपने रूम में आ जा, ऐसा करते करते अपने रूम में आ जा। अबे पागल है क्या, मेरे को बज गया था मेरे। तो भाई आज का जो हमारा 10वां मिथ है वो पता क्या है ना, कि हम अपनी एल्बो को ना ऐसे टच नहीं कर सकते। क्या तू टच करके दिखा सकता है? वैसे मुझे पता है किसी से भी पॉसिबल नहीं है। एक बारी नहीं हो रहा है, रुक जा, मैं ट्राई। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, नहीं, नहीं पॉसिबल। शक्ल ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही करना है भाई, हाथ सीधा करके नहीं करना। ये सिर्फ एक इंसान कर सकता दुनिया में, रामदेव बाबा जी। बकवास नहीं कर रही यार। एक्चुअली गाइस ये वाला मिथ मैंने इसलिए लाया ना ताकि आप लोग भी इसको ट्राई करके देखो जरा कि क्या आप लोग इसको टच कर सकते हो। अगर किसी ने टच कर लिया तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि हाँ मैंने कर लिया। वैसे मुझे लग रहा है शायद किसी के लिए भी पॉसिबल है, किसी के लिए भी नहीं। रामदेव जी तो भाई अपनी मुंडी ऐसे घुसा के भी यहाँ पे टच कर सकते हैं पैर के नीचे। जो हमारा अगला मिथ होने वाला है ना वो ये है कि जो ये टमाटर होता है ना गाइस, टमाटर जो कि सभी के घर में पाया जाता है टमाटर, अगर गलती से हमने कभी कुछ मिर्च वाला खाना खा लिया, हमने मिर्ची खा ली, तो हमें सीधा टमाटर खा लेना चाहिए, और टमाटर ना इस मिर्च को बुझा देगा, मतलब हमको लगने। हाँ ये तो भाई तू ही टेस्ट करके दिखाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, अरे बात तो सुन, मैंने तो गाइस दूध के लिए भी सुना है कि दूध भी करता है, दूध और टमाटर। तो टमाटर वाला मेरा भाई करेगा, दूध वाला मैं करूंगा, हम दोनों एक एक मिर्ची खाएंगे, देखते हैं कि टमाटर सबसे पहले मतलब मिर्ची को ठीक करता है। कर लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तभी तो तू मेरा डमी, ऐसे थोड़ी है तू, दोनों खाएंगे ना साथ में। चल चल 1 2 3 पहले मिर्ची लगने दे। सस्ती मिर्ची कहीं? सस्ती हो चाहे जैसी मर्जी हो, मुझे मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है। धोई नहीं है क्या ये? अबे धोई भी है, क्या मतलब है? अभी तक ढंग से खा मिर्ची एक बार। हल्की सी लगी थी, बट एक्चुअल में टमाटर खाने से ना फील कम हो गया। अभी तक ना वो दाने नहीं आए थे मेरे को मिर्ची के। काम कर रहा भाई, ये काम कर रहा है। ठंडा दूध पीना होता गर्म नहीं।
मैं जा रही हूँ अपनी मिर्ची बुझाने। ओह आई स्वेर यार, मुझे क्या मिर्ची लगी, मैंने शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी खाई, उसके मैंने एकदम से खा ली। लेकिन यार ये दोनों काम करता है, टमाटर भी काम किया और दूध भी काम किया। अब भाई साहब जो हमारा आज का लास्ट मिथ है वो ये है कि ये जो हमारा बलून है ना, ये एज अ इरेजर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप टेस्ट करके दिखाएंगे। ये देखो गाइस, ये देखो ये यहाँ पे जो चीज लिखी है उससे मिटाने की कोशिश कर जरा इसको। ये हमारा बिल्कुल काम कर रहा है क्या? और कर और का ढंग से। ये एक्चुअल में ना हो रहा है, बट थोड़ा ज्यादा घिसना पड़ रहा है इसको। देख 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 एक बार भाई, तू इसको जितना मर्जी वो कर ले, देख बार, छोड़ छोड़ छोड़, मुझे लग रहा है एक्चुअल में काम। अरे भाई छोड़ दे, पेज ही बढ़ जाएगा। अरे भाई छोड़, अरे भाई नहीं हो रहा है पूरा यार। ये देख रहे हो तुम, ये कितना कचुम्बर होता है। ये इसलिए नहीं मिट रहा है क्योंकि यार YouTube भी चाहता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा गाइस देखो ये लाइट हो गया, तो ये काम कर रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में काम कर रहा है। लेकिन अगर ये काम नहीं किया है ना अभी, तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, तुरंत लाइक कीजिए वीडियो को। और भाई यही थे मेरे आज के 12 मिथ, और जिनमें से मतलब कुछ मिथ हमारे कंफर्म हुए, कुछ हमारे बस्टेड हुए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप में से कभी, मतलब आप लोगों ने ऐसे टाइप के मिथ कभी अपनी लाइफ में ट्राई करे या फिर आप ट्राई करना चाहोगे, और अगर आपने ट्राई किया तो आप मुझे वो भी बताना कि आप लोगों के पास क्या रिजल्ट निकला। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अरे रुक जा, एक और मिथ है। एक देख, 12 मिथ तेरे थे, एक मेरा मिथ होगा, ठीक है ना? बता बता। आजा फोन दे मेरे को अपने, और तेरे को ट्राई करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है ना? आज जल्दी खड़ी, जल्दी खड़ी जा। कौन सा मिथ है भाई? तो मिथ के अकॉर्डिंग मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसको तू अगर अपने चेहरे पे लगाएगी ना, तो जिंदगी में कभी बदसूरत नहीं दिखेगी उसके बाद। इसके बाद कभी बूढ़ी हो गई बदसूरत नहीं दिखेगी। चल चल दिखा दिखा, ठीक है आजा। वो चीज है ये, इसको पहन के कभी जिंदगी में कोई आदमी बदसूरत नहीं लग सकता है। पहनना पड़ेगा इसको, ठीक है ना गाइस? आप लोग मुझे वैसे कमेंट्स में भी बता सकते हो यार कि अगर आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा मिथ है ना कि यार ये ट्राई करो, हम वो भी ट्राई कर लेंगे। चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।